खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी की ओर से आयोजित बैठक में बीएलओ की नाराजगी खुलकर देखने को मिली। बीएलओ ने बैठक का बहिष्कार करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया, तो वहीं एसडीएम के नाम लिखित में ज्ञापन भी सौंपा। बीएलओ का कहना है कि उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए हैं और उन्हें कई प्रकार के कार्य सौंप देने से वो विद्यालय में समय नहीं दे पा रहे हैं। मुख्य समस्या ये है कि अभी परीक्षा का समय चल रहा है, 2 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा है और हर काम में ये बीएलओ को और मास्टरों को ही लगाते हैं। जब इनसे कोई काम नहीं बन पाता है, आखिर में इनको मास्टर ही दिखते हैं। आज हमने इनका पूर्ण रूप से विरोध किया है और कार्य का हम बहिष्कार करते हैं। गैर शैक्षणिक कार्य हम नहीं करेंगे। कोई एसडीएम महोदय का बहिष्कार नहीं किया है। हमने जो हमारी वाजिब मांग है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे ऊपर काम का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो मतलब बीएलओ के तौर पे बढ़ता जा रहा है। एकल अध्यापक है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इसके अलावा और भी कई शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा अन्य प्रकार के कार्यक्रम है, वो जिला कलेक्टर के माध्यम द्वारा, एसडीएम के माध्यम द्वारा हमारे ऊपर मतलब पूरा पाबंद करके काम करवाया जाता है। बीएलओ ने ये कहा है कि उनका जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में कुछ चीजें उनके, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बीएलओ और अपने जो राजस्व दल बनाए हैं, उस दल के अंदर उनको समय को लेकर की थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो रहा था, जो हम उनको समझा देंगे। समस्त बीएलओ इसमें साथ है और हमेशा बीएलओ ने निर्वाचन विभाग और साथ में कोरोना महामारी में सपोर्ट किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि समदड़ी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान की अध्यक्षता में कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी ने कोरोना टीकाकरण पर जोर देते हुए आमजन से अपील की है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगाएं और इसके लिए सर्वे टीमों का गठन कर घर घर सर्वे करने और चिरंजीवी योजना में सभी का रजिस्ट्रेशन करने, जनाधार की जानकारी एकत्रित करने, कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए आमजन से समझाइश करने सहित कई विषयों के बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जरूरी है कि पूरी सिवाना के समस्त ग्रामवासियों की एक तो वैक्सीनेशन हो जाए, साथ में चिरंजीवी योजना के तहत सभी का रजिस्ट्रेशन हो जाए और द्वितीय डोज जिसने नहीं लगवाई है उनके घर घर जाकर जो घर घर दस्तक अभियान चल रहा है उसकी भी हमने सर्वे करवाने के लिए एक रखी थी मीटिंग, जिसमें हमारी समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, साथी और बीएलओज, उसके अलावा पीओ, ग्राम सेवक और पटवारी, वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर हमने ये मीटिंग की है। इस मीटिंग का हमने 3 दिन, 3 से लेकर 4 से 5 दिन तक हमारा